नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत ही दिव्य और अद्भुत वनस्पति का परिचय कराने वाले हैं, जो बहुत ही कम दिखाई देती है, जिसके कारण बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। अभी जो आप वनस्पति देख रहे हैं, ये पलाश की बेल है। इस पर पीले रंग के पुष्प लगे हुए हैं, इसलिए इसको पीली पलाश की बेल कहते हैं। जिस प्रकार से पलाश का वृक्ष होता है और उसमें तीन भेद होते हैं, सफेद पलाश, लाल पलाश और पीला पलाश, उसी प्रकार से पलाश की बेल होती है। और सुनने में आता है कि पलाश के झाड़ भी होते हैं। ये पलाश की बेल है, इसमें भी तीन भेद होते हैं, पीले फूल वाली, लाल फूल वाली और सफेद फूल वाली। यह पलाश के वृक्ष से कई गुना ज्यादा प्रभावशाली औषधीय गुण रखती है। इसकी पहचान करना आसान है, इसके इस प्रकार के पत्ते होते हैं जो तीन तीन के जोड़े में पलाश के पत्तों की तरह दिखते हैं, और इसके फूल भी गुच्छों में होते हैं जो पलाश के फूल की तरह दिखते हैं। पलाश की बेल और पलाश के वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में ही फलते हैं। यह बेल ठंडी प्रकृति की होती है और एक कायाकल्प औषधि के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद पलाश की बेल और लाल पलाश की बेल अभी हमने नहीं देखी है, यदि आपने कहीं पर देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह पीली पलाश की बेल अत्यंत गुणकारी है, लेकिन दुर्लभ होने के कारण बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी है। विडम्बना यह है कि लोगों को जानकारी न होने के कारण लोग वनस्पतियों को नष्ट करते जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से हम लोगों को वनस्पतियों की जानकारी देते हैं, ताकि लोग जागरूक बने और वनस्पतियों का रोपण एवं रक्षण करें। यदि आप हमारे इस प्रयास में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। इस वनस्पति का कहीं कहीं पर आदिवासी लोग तांत्रिक प्रयोग भी करते हैं। इसके पत्ते, टहनियों और फूल को जलाने पर जो धुआं निकलता है, उस धुएं से पीड़ित व्यक्ति के भूत बाधाओं को दूर किया जाता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी फूल पत्तियों को जलाने से जो धुआं उत्पन्न होता है, वह वातावरण में व्याप्त अशुद्धियों को नष्ट करता है। इसलिए अधिकतर इसका इस्तेमाल इसके पत्ते और लकड़ियों का हवन में किया जाता है, जिससे वातावरण की शुद्धि भी होती है। इस बेल पलाश की कुछ विचित्र बातें भी है कि इसकी जड़ में कंद निकलता है और इसके फूलों में खुशबू आती है। और एक और विचित्र बात है कि इस पर फल नहीं के बराबर होते हैं, यानी कि इसके बीज कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। इसको पलाश बेल, ढाक बेल, भूत माजर बेल आदि नाम से भी जानते हैं। इसका वनस्पतिक नाम ब्यूटिया परविफ्लोरा है, लेकिन यह वनस्पतिक नाम बहुत ही कन्फ्यूज करता है, इसलिए इसके वनस्पतिक नाम से इसको नहीं पहचान सकते। ये तो सिर्फ आपकी जानकारी देने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ औषधीय प्रयोग। यह शीत प्रकृति की होती है और ग्रीष्म ऋतु में फलित होती है। जिन लोगों को रक्त विकार और शरीर में गर्मी के कारण होने वाले रोग हैं, उसमें यह रामबाण इलाज है। यह शरीर का शोधन करती है एवं शरीर को कायाकल्प करने की शक्ति रखती है। इसके लिए आप इसके पत्ते और टहनियों और फूलों को सुखाकर चूर्ण बना लें और इस चूर्ण का सेवन करते हैं, तो यह शरीर के अंदर सभी प्रकार की अशुद्धियों को निकालकर आपके शरीर का कायाकल्प करती है, दिल दिमाग को ठीक करती है और रक्त को शुद्ध करती है, और यह किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालती है। आयुर्वेदिक मत अनुसार इसके फूल स्तंभक, तृष्णा शामक, रक्त स्तंभक, मूत्रल, कुष्ठघन, ज्वारघन, दाह शामक, कफपित्त शामक, वेदन, कृमिघन, उत्तेजक, प्रमेह घन है। यह ग्राही, वृष्य और बलकारक है। इसके फूलों की पुलटी बनाकर नाभि के नीचे बांधने से मूत्र विकार की प्रॉब्लम और अंडकोष की सूजन दूर होती है। इसके पत्तों को नींबू के रस के साथ पीसकर दाद वाले स्थान पर लगाने से दाद ठीक हो जाता है। इसके फूलों का चूर्ण बनाकर लेने से प्रमेह दूर होता है। दोस्तों, यदि आप इस पलाश बेल के कुछ औषधीय प्रयोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक ज्ञानवर्धक वीडियो आती हैं, जो आपके लिए बहुत ही काम की हैं। वनस्पतियों की रक्षा एवं रोपण करें, इसी विचार के साथ चलते हैं। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।